जामताड़ा जिले में चांसलर पोर्टल बंद करने साथ ही पूरक परीक्षा को निरस्त करने की मांग के समर्थन में आज जैकबोर्ड से 12वीं की परीक्षा में असफल हुए छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। वहीं इस दौरान छात्रों का प्रतिनिधि कर रही छात्रा वीना हेमरम ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले साल से पठन पाठन ठप है, ऐसे में जो छात्र फेल हुए हैं उनका पूरक परीक्षा लेने की घोषणा की गई तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकेगा, क्योंकि पूरक परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने में देरी होगी जिससे छात्रों का एक साल बेकार हो जाएगा। तो अगर फेल सभी को करना है तो जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया है हम लोग भी नहीं देते, वो लोग कुछ बच्चे पास हो गए हम लोग फेल हो गए, अगर हम लोग को और फेल होने के बाद फिर से वो लोग ग्रेजुएशन का एडमिशन शुरू कर दिया अगर वो एडमिशन शुरू कर दिया तो हम लोग का तो एक साल पीछे हो रहा है ना, और यही कारण मतलब कोरोना के कारण हम लोग का मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन किया, बोला गया कि प्रमोट कर देंगे सबको, तो सबको क्यों नहीं किया, आधा बच्चे को क्यों किया, और अगर अभी उन लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, पॉलिटेक्निक कैसे करेंगे, आईटीआई कुछ भी कैसे करेंगे, हम लोग का तो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, उन लोग का वो बच्चा लोग का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा और हम लोग का टाइम बर्बाद हो रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक आकाश साहब ने कहा कि जैक बोर्ड से इंटर की परीक्षा में जिले के 150 से ज्यादा छात्र असफल हुए हैं। इन छात्रों की जायज मांगों के समर्थन में विद्यार्थी परिषद आवाज बुलंद करेगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा। जैसा सरकार ने कहा है कि 3-4 महीना बाद इन लोग का एग्जाम लिया जाएगा, अगर उसमें लोग एग्जाम देते हैं फिर इन लोग का परिणाम एक महीना बाद आएगा तो इन लोगों का सीट फुल हो जाएगा, इन लोग कल दिन जाके ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, आईटीआई नहीं कर पाएंगे, जो महिला है नर्सिंग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए चांसलर पोर्टल को बंद कर दिया जाए और सारे लोग को पास करके पुनः चांसलर पोर्टल को चालू करें और फिर एक साथ सबका दाखिला हो। मामला क्या क्या हुआ है? मामला यही है कि सबको जैक में फेल कर दिया गया है, कुछ कुछ स्टूडेंटों को, तो ही विषय में हम लोग आए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने, मिल चुके हैं, हम लोगों को ज्ञापन दे दिए हैं, तो सर ने आश्वासन दिया है कि हम इस बात को जैक तक रखेंगे। बता दें कि इस अवसर पर आंदोलनरत छात्रों ने क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी दीपक राम को मांग पत्र सौंप दिया है। वहीं मौके पर क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों की मांगों को उचित माध्यम से जैक बोर्ड तक पहुँचाने की जानकारी दी। असफल छात्र चाह रहे हैं कि रिजल्ट संशोधित हो और जो फेल कर गए हैं उनको पास घोषित किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इस बेसिस पर वो डिमांड कर रहे हैं कि सबको पास किया जाए, और अगर एग्ज़ाम देने की बात होती है तो जो भी अभी एग्जाम एडमिशन का प्रोसेस चालू हुआ है चांसलर पोर्टल के द्वारा उसको स्थगित किया जाए, तो हम इनकी जो मांग है उसको हम अभी रख लिए हैं, इसको हम आगे फर्दर कार्रवाई करते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।